नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड नर्सरी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज स्मॉल लेटर यू। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल लेटर यू। ओके फाइन। देखो ये क्या है जिसे हम रेनी सीजन में से यूज करते हैं बारिश से बचने के लिए। यस, यू और अम्ब्रेला। तो आज हम न्यू लेटर सीखेंगे, यू फॉर अम्ब्रेला। दिस लेटर इज स्मॉल लेटर यू। ओके स्टूडेंट, देखो किड्स ये क्या है? अम्ब्रेला। मैडम ने यू में से क्या बना है? अम्ब्रेला। स्मॉल यू, उसमें से क्या बना? अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला। सो किड्स, स्मॉल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ओके, उसमें 21 नंबर पर आता है स्मॉल लेटर यू। दिस लेटर इज स्मॉल लेटर यू। ओके किड्स, लुक एट हियर किड्स, दिस लेटर इज कैपिटल लेटर यू एंड दिस लेटर इज स्मॉल लेटर यू। सम वर्ड जो लेटर यू से स्टार्ट होते हैं। ओके, यू, यू फॉर अम्ब्रेला। दिस पिक्चर इज अम्ब्रेला। यू, यू फॉर यूनिकॉर्न। दिस पिक्चर इज यूनिकॉर्न। यू, यू फॉर यूनिफॉर्म। दिस पिक्चर इज यूनिफॉर्म। यू, यू फॉर अप। दिस पिक्चर इज अप। यू, यू फॉर अंडर। दिस पिक्चर इज अंडर। यू, यू फॉर यूनिसाइकल। दिस पिक्चर इज यूनिसाइकल। यू, यू फॉर अनहैप्पी। दिस पिक्चर इज अनहैप्पी। यू, यू फॉर अंकल। दिस पिक्चर इज अंकल। यू, यू फॉर अर्न। दिस पिक्चर इज अर्न। सो किड्स, अब हम इस फोर लाइन में देखेंगे हाउ टू राइट लेटर यू। लेटर यू कैसे राइट होता है? ओके, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ब्लू लाइन यानी के सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है लेटर, और कहाँ तक राइट करना है लेटर? थर्ड लाइन यानी के सेकंड ब्लू लाइन तक ही हमें लेटर राइट करना है। ओके किड्स, फिर आपको क्या करना है? फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक आपको अप कर्व पैटर्न बनानी है। कौन सी पैटर्न? अप कर्व पैटर्न। हो गई, फिर आपको क्या करना है? अप में से डाउन में मेक अ स्टैंडिंग लाइन। हो गया स्टैंडिंग लाइन, तो ये हमारा लेटर राइट हो गया। हो गया, अगेन प्रेस करेंगे।
करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ब्लू लाइन से लेटर राइट करेंगे और कहां तक सेकंड ब्लू लाइन में आके थर्ड लाइन तक भी हमें लेटर राइट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ऑ को बनाना है। देखो इसे फर्स्ट ब्लू लाइन और सेकंड ब्लू लाइन के बीच अप को बनाना है। फिर क्या करना है, यहां से अप में से मेक अ स्टैंडिंग लाइन हो गया। पहले क्या बनाना है, अगेन राइट करेंगे, पहले अप को बनाना है जो हम आगे सीख गए, ऐसे अप को बनाना है। आप इसे हम कैपिटल यू भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें टू लाइन पे ही राइट करना है, कैपिटल लेकर स्मॉल बनाना है। फिर हमें क्या करना है, अप में से डाउन में उसके ऊपर ही स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो ये हमारा लेटर राइट हो गया। अगेन राइट करेंगे, स्मॉल यू को लाइन बनाना है, फिर मेक को यहाँ से अगेन स्टैंडिंग लाइन, तो यू राइट हो गया। अगेन राइट करेंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक को लाइन हो गया। अब को बनाना है पैटर्न में और फिर स्टैंडिंग लाइन, तो ये यू राइट हो गया। अब हमें अगेन यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ब्लू लाइन से कहाँ तक, या सेकंड ब्लू लाइन तक। अब हम इस लाइन में भी ऐसे ही राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट करना है, यस फर्स्ट ब्लू लाइन से कहाँ तक, सेकंड ब्लू लाइन तक। तो सबसे पहले हमें कॉ पैटर्न बनानी है, अब कॉ पैटर्न, कौन सी पैटर्न, अब कॉ पैटर्न बनानी है। फिर क्या करना है, मेक और उसके ऊपर ही मेक और स्टैंडिंग लाइन, तो लेटर यू राइट हो गया। अगेन राइट करेंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन के बीच अप कॉ पैटर्न बनानी है, हो गया अप कॉ पैटर्न। फिर स्टैंडिंग लाइन हो गया है। अगेन राइट करेंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से मेक अप कॉ पैटर्न हो गई, फिर मेक अप स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है स्टैंडिंग लाइन, हो गया लाइन। अगेन राइट करेंगे, फिर मेक अ स्टैंडिंग लाइन हो गया, फिर टू राइट। अब हमें लास्ट लाइन में भी ऐसे ही राइट करना है। ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब तो आप सीख गए कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लाइन यानी के फर्स्ट ब्लू लाइन से कहाँ तक, थर्ड लाइन यानी के सेकंड ब्लू लाइन तक। ओके, मेक अ कॉ पैटर्न बनानी है, फिर अप में से डाउन में उसके ऊपर ही स्टैंडिंग लाइन। अगेन राइट करेंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक अप कॉ, फिर स्टैंडिंग लाइन हो गया ब्लू लाइन। अगेन राइट करेंगे, फर्स्ट लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक अप कॉ पैटर्न, फिर मेक अ स्टैंडिंग लाइन उसके ऊपर ही। अगेन राइट करेंगे, अप कॉ फिर मेक अ स्टैंडिंग लाइन, तो ये हमारा लेटर राइट हो गया। टुडे वी लर्न स्मॉल लेटर यू, आज हम कौन सा लेटर सीखे, स्मॉल लेटर यू सीखे। ओके स्टूडेंट, टुडे एक्टिविटी, देखो किड्स आज की एक्टिविटी में हमें वन कलर पेपर ऐसे स्क्वेयर होना चाहिए और दूसरे कलर का पेपर वो रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए, पेंसिल सीजर ग्लू और सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, बाउल ले सकते हो, बैंगल्स ले सकते हो या डब्बे का ढक्कन भी आप ले सकते हो। तो इन सभी चीज़ों से हम आज की एक्टिविटी करेंगे। ओके किड, पहले हमें एक स्क्वेयर पेपर लेना है, फिर आपको कोई भी सर्कल वाला ऑब्जेक्ट लेके, मैंने बाउल लिया, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसको रख कर ऐसे ड्रॉ करना है पेंसिल की मदद से। देखो ऐसे हमें ड्रॉ करना है सर्कल, तो देखो ये सर्कल हो गया ना सर्कल। ओके, फिर आपको क्या करना है,
सीजर की मदद से इसे कट करना है, इसे पूरे सर्कल को। ऐसे सर्कल कट कर दिया, फिर आपको क्या करना है, ऐसे 1/2 कट करना है, ऐसे बीच में से ऐसे थोड़ा सा भाग कट करना है आपको। देखो इस तरह से थोड़ा सा ही भाग आपको कट करना है, ऐसे हो गया। फिर आपको क्या करना है, इस कट से यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे ट्रायंगल शेप बनाना है। कौन सा शेप, ट्रायंगल शेप में ऐसे फोल्ड करना है। देखो देखो ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर आपको इसको पलट कर ऐसे फिर से ऐसे फोल्ड कर देना है, फिर से जैसे ट्रायंगल शेप ने हमने पहले किया था। फिर आपको फिर ऐसे पलटा कर फिर ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, ऐसे देखो हो गया। फिर आपको इसे पलटना है और फिर ऐसे ऐसे करना है आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड। फिर आपको ऐसे पलट ऐसे आपको पूरा सर्कल ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे देखो अच्छी तरह से। ओके देखो पूरा ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है, फिर आपको ऐसे बन जाएगा। देखो ऐसे फोल्ड करने के बाद कैसा बनेगा, ऐसे बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये दो पार्ट से उसमें 1 साइड ग्लू लगाकर उसको स्टिक करना है। देखो ऐसे 1 पार्ट में ग्लू लगाकर ऐसे हम स्टिक करेंगे। ओके ऐसे अच्छी तरह से हमें स्टिक करना है, ऐसे हो गए ऐसे स्टिक, तो ऐसा सर्कल शेप बन जाएगा। ओके तो देखो ऐसे बन गया। अब आपको इसको साइड पे रख के हमें ये रेक्टेंगल वाला दूसरे कलर का पेपर लेना है, फिर आपको इसमें से स्टिक बनानी है। ऐसे देखो ऐसे 1 कॉर्नर से कोई भी कॉर्नर से ऐसे हमें रोल बनाना है, ऐसे अच्छी तरह से। क्या बनाना है, रोल। देखो ऐसे ऐसे हमें रोल बनाना है अच्छी तरह से पूरे पेपर का। ऐसे देखो ऐसे अंदर की ओर टर्न लेके आपको रोल बनाना है। ओके देखो इस तरह से पूरे पेपर को ऐसे अंदर की ओर रोल करते जाना है आपको, ऐसे देखो। तो ऐसे हमारी ये स्टिक बन गई स्टिक। फिर आपको करना क्या करना है, यहाँ पे ग्लू लगा के इसे हम स्टिक कर देंगे ऐसे अच्छी तरह से यहाँ पे, ताकि छूटे नहीं वो। ऐसे देखो ऐसे चिपक जाएगा, यानी कि स्टिक हो जाएगा। हो गई स्टिक ये हमारी। फिर आपको क्या करना है, इनके अंदर इसे स्टिक को लगा लेना है, स्टिक के ऊपर के भाग पे ऐसे ग्लू लगा देना है। फिर आपको ऐसे यहाँ पे अंदर की ओर ऐसे चिपका देना है इसे अच्छी तरह से। ओके देखो ऐसे रख दिया। फिर आपको नीचे से थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लेना है इसे, जो हमने पेपर से स्टिक बनाई है इसे, ऐसे देखो इस तरह से थोड़ा सा टर्न कर देना है। हो गया यस। तो ये हमारी क्या बनी, अम्ब्रेला। वेरी गुड यू फॉर अम्ब्रेला। आज की एक्टिविटी कौन सी थी, लेटर यू की। ओके कैसी लगी, आपको अच्छी लगी ना किड्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।